लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये कहानी उन निडर पिंडारियों की है जिनकी वीरगाथा को फिरंगियों ने इतिहास तो नहीं बनने दिया लेकिन अफसाना बनने से रोक भी नहीं पाए। Justice, fraternity, equality. That is why the sun never sets on the British Empire. Up London Times, eh? Yes, London Times. Ram Singh ji, aap to Raja Prithvi Singh ji ke saath bahut samay se. Ji. To ek baat bataye. Yahan par pure desh mein, everyone is following Gandhi. Sab log non-violence ki baat kar rahe hai. वही तुम्हारी हुक्म पृथ्वी सिंह वायलेंस की बात कर रहे हैं क्यों? And why does he hate us so much? British हुकूमत पर विश्वास क्यों नहीं रखते वो? विश्वास, विश्वास में ही वास है विष का। सन 1862 जब चंदनगढ़ ने माधवगढ़ पर हमला बोल दिया था सिंह जी की जय हो। हम और इंतजार नहीं कर सकते। चंदनगढ़ की सेना हमारी माधवगढ़ सेना पर हावी हो रही है। रिजर्व को फौरन हमले का आदेश दीजिए। यह जरूरी तो नहीं कि जंग हमेशा अपनी तलवार से जीती जाए। वो लोग आते ही होंगे। आप उन पिंडारियों के भरोसे अपने सैनिकों की जान गंवा रहे हैं जो पिंडी के नशे में दूध कहीं कीचड़ में लौट रहे होंगे। जबकि आप जानते हैं कि पिंडारी अपनी जुबान के पक्के होते हैं, फिर भी आपको यकीन नहीं होता कि वो लोग। नशे में धुत रहने वाले ये पिंडारी
बर्बर असभ्य जंगली जरूर हैं, लेकिन जब ये घोड़े पर सवार होते हैं और हाथ में तलवार, रिजर्व फोर्स हमारे काम आएगी। सरदार, जीत की खुशी में युवराज ने आपको जाम पीने का न्योता भेजा। पिंडारियों का सरदार हैदर अली सिर्फ राजाओं के साथ जाम पीता है। पृथ्वी। जी सरदार। तू जा। मगन, चबन। जी सरदार। नौनिहाल। जी सरदार। भैरव, हाँ, तुम लोग साथ जाओ। हाँ। और अपनी जमीन का रुखा लेके आओ। चलो। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। सरदार, ठंडे ऊपर, ठंडे दिमाग का काम है। हैदर अली नहीं आए? युवराज, आपके पिता महाराज संग्राम सिंह भी पिंडारी सरदार हैदर अली का नाम सिर्फ हैदर अली कहने की जुर्रत नहीं करते। अपने ये तेवर दुश्मनों के लिए रखो तो अच्छा होगा। अभी तो हमें पूरा राजपुताना जीतना है। बेशक जीतिए, लेकिन हमारा करार सिर्फ इस जंग तक था, और इसके बदले में आप हमें हमारी जमीन वापस देने वाले थे। बेशक देंगे, पहले हमारे दोस्तों से तो मिलो। तेरे बाप ने तो कहा था कि अंग्रेज चंदनगढ़ वालों के साथ हैं। पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, ये राजनीति की बातें हैं जो तुम्हारी समझ के बाहर हैं। तुम सिर्फ अंग्रेजी शराब पियो। पेश करो। हम सिर्फ अंग्रेजों का खून पीते हैं। किस जमाने में जी रहे हो पृथ्वी, किस जमाने में जी रहे हो? आधी दुनिया पर राज करने वालों से दुश्मनी नहीं, दोस्ती की जाती है। दोस्ती युवराज। नौनिहाल, बोलिया, चल हमारी जमीन का रुक्का दे और यहां से निकल जा। जमीन? कहां चाहिए जमीन? वहां, वहां दूं, वहां, वहां, या हमारे महल की सीढ़ियों के नीचे, जहां मरने के बाद भी तुम्हें हमारे बढ़ते हुए रुतबे का एहसास होता रहेगा। रही बात तुम्हारे साथियों की, वो देखो। देख लेंगे। ओए, अपने पिंडारी भाइयों को बचाना है, चल नीचे जल्दी।
गलती तो हमारी ही है, एक गलत आदमी पर भरोसा जो किया हमने, राजा पर। सजा का हकदार सिर्फ मैं हूं, इसलिए फैसला। कैसा फैसला सरदार? क्या हमारे इतने भाइयों की मौत का नुकसान कम है कि एक और? हम अपना अपना घर छोड़ देंगे, खेत चला देंगे, नई नई दिशाओं में जाकर बागी किसानों और द्रोही सैनिकों को इकट्ठा करेंगे, फिर अपनी जमीनें ही नहीं राजा और गुरों को भगाकर माधवगढ़ पर कब्जा करेंगे। भगाकर नहीं होए प्रावा, रबती सौ कट कट के, क्योंकि 4,500 पिंडारियों की मौत का बदला उस पैर दे टके राजा और उसकी एक 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 फिरंगी साथी नू कट के ही पूरा होगा। तो फिर जबान देता हूं, राजा और उसके एक एक फिरंगी साथी को काटूंगा या खुद कट जाऊंगा। पृथ्वी, ताकत तो आज में हमारे पास थी, क्या हुआ? नहीं पृथ्वी, अनपढ़ गवार लोग हैं हम, फिरंगियों जैसी छल कपट वाली सोच हम कहां से लाएंगे? बेटा हुआ है! बधाई हो सरदार, बधाई हो सरदार। सरदार बारिश, बच्चा भीग जाएगा, कहाँ चल दिए? इसे चलना है, इसे चलना है, बहुत दूर तक चलना है। ये मेरा वीर है, इसके लिए क्या बारिश क्या तूफान, वीर है, वीर है। चल, उठ, उठ। दद्दे, अब तू मेरा धोबी बछार देख। दद्दे, एक दिन मैं भी तुझे पानी में फेंकूंगा। शाबाश। वीरे, गुस्से को पालना सीख, वक्त को तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। संभाल।
जहां से भी पकड़ता हूं 5 शेर गोश्त निकाल लेता हूं। टेल मी ट्रेजर इंडिया फ्रॉम हियर लंदन। देयर इज नो ट्रेजर। किसी राजा का डब्बा भी है। खरीदे माधवगढ़ पे हमला करने के लिए खरीदे। मीरा कहाँ है? ओए दद्दे कहाँ है दद्दे? आज झपट जाऊंगा तो रपट ही दूंगा। तो रपट दे। क्या जंगलियों की तरह लड़ रहे तुम बाप बेटे? अरे यही करना था तो पढ़ा लिखा क्यों इन्हें? कहाँ पढ़ाया और पढ़ाना है इसे। अरे बस भी करो। हाँ
दद्दे, एक दिन मैं तुझे इस पानी में जरूर फेंकूंगा। उस दिन का इंतजार रहेगा। देखा क्या बेटे हैं मेरे। और मैं ताली मार दो हत्थी वीरा ताली बजेगी। ओए माथे बिंदी पैरा में दी लाली सजेगी। और ताली मार दो हत्थी वीरा ताली बजेगी। माथे बिंदी पैरा मेहंदी लाली सजेगी। नोनो नखरे नाक पे मोती की लगावे रे। आपे शीशा देखे बोले सोनी लगेगी। हुण आपे शीशा देखे है। हुण आपे शीशा देखे बोले सोनी लगेगी। मार दो हत्थी वीरा ताली बजेगी। अरे माथे बिंदी पैरा में दी लाली सजेगी। शीशा देखे बोले सोनी लगेगी। ताली मार दो हत्थी वीरा ताली बजेगी। माथे बिंदी पैरा में दी लाली सजेगी। घट पीछे गोरा मुखड़ा पानी में जैसे दीप जले रे। हाय घूंघट पीछे गोरा मुखड़ा पानी में जैसे दीप जले रे। चारों चार वही वही देखूं आँखों में कैसा सपना चले रे। ओ मेरे दिन भी अकेले मेरी रात भी अकेली मेरी रात भी अकेली तन्हाई डसेगी। हुण वापे शीशा देखे। हुण वापे शीशा देखे। हुण वापे शीशा देखे बोले सोनी लगेगी। ताली मार दो हत्थी वीरा और ताली बजेगी।
सा टोना कर गई, जिया का कटोरा दर्द से भर गई। हो जाने कैसा टोना कर गई, जिया का कटोरा दर्द से भर गई। चांद दिखाने छत पे बुलायो, चांद के सामने आप मुकर गई। ऐसी छोड़ी रे निशानी, आगे चलेगी कहानी, आगे चलेगी कहानी, बड़ी दूर चलेगी। हुण वापे हुण वापे हुण वापे शीशा देखे, हुण वापे आपे 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 आपे, हुण वापे शीशा देखे, बोले सोनी लगेगी। ताली मार दो हत्थी वीरा, ताली बजेगी, अरे ताली बजेगी, ताली बजेगी। जिस प्रथा के अर्थ को हम सब भूल ही चुके हैं, उससे कैसा अनर्थ। जिन मेमनों की मां उन्हें हमें दूध देकर बड़ा किया है, क्या हम उन्हीं मांओं के मेमनों को मार दें? कमजोरों पर ताकत आजमाना कमजोरों की ताकत है। यह मेरे दद्दा की तलवार सिर्फ फिरंगियों की गर्दनों के लिए है, सिर्फ फिरंगियों की गर्दनों के लिए है, फिरंगियों की गर्दनों के लिए है। But your father's long persuasion finally bore fruit. Now you both are going to London. Right, left, right, gentlemen. Hey, shabash. Agya hai? Hat, 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 hat. Veere, Veere, Goryo ka desh hai London. Mujhe nahi jana. Tu ja London. Mujhe use dhoondna hai. Na uska thor na thikana kahan dhoondega? दद्दा रहा है, बहाना बना दे कोई। क्यों? लंदन नहीं जाना? लंदन जाना ना? दद्दा, एक तरफ तो फिरंगी को काटने की बात करता है और दूसरी तरफ तो हमको उन्हीं के देश में भेज रहा है। उनकी ताकत है उनकी फितरती सोच, वो कैसे पेंच लड़ाते हैं, इस बात को समझने वाला हमारे बीच कोई होना चाहिए। तुम लोग लंदन जा रहे हो बस। Oh God, bless London. Hello. Take. Hmm.
देख लंदन कितनी सुंदर जगह है यार। क्वीन विक्टोरिया का महल देख कितना प्यारा है। हमारे यहाँ के मकबरे भी इससे प्यारे हैं। ताजमहल नहीं देखा क्या तूने? माफी वीरे, क्या भूखा भूखा चल रहा है? जब तू यहाँ आ ही गया है तो पूरा क्यों नहीं आ जाता? दो साल ही की तो बात है। दो साल? दो क्षण में पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। दो साल में उसका ब्याह हो गया तो दद्दा की सोच को भी पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ हमको गोरों की सोच समझने भेजा है। तलवारों के साथ हमको माधवगढ़ भेजे थे। छह महीनों में वहां Excuse me. इसके लिए हम माफी चाहते हैं। I'm sorry. आप ये ले लीजिए। लंदन में वो ट्रेन वाली दिखाई दे रही है। है? ये फितूर मेरे दिमाग से कब उतरेगा? चल मेरे भाई भारत चल। हाँ? कोई सपने में रुमाल देता है? देख। अरे वो तो मुस्कुरा रही है। पकड़। अरे टांगे ले, रुक जा। Ouch! Hey, what are you doing? Excuse me. Hey, Veer! Veer, come here! Come here! Don't scream, madam. Don't scream. No, my ice cream. Oh. My ice cream. Oh, ice cream. Acha, ice cream. Kulfi. I'm sorry. Mafi. I'm sorry. It's okay. Don't worry. It's okay? Sure. Let me help. Yes, my son. Every time I look into your eyes, I see my paradise. The stars are shining bright up in the sky, painting words of desire. सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदे और नींदों में सपने कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से आ जा जमीं पे और मिल जा कहीं पे कभी मेरी अखियों की सुनी सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से ओ, 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 ओ,
जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। ढूंढा है जमीन पे, छाना है फलक पे, सारे से कभी मेरी अखियों की सुन। Every time I look into your eyes, I see my paradise. The stars are shining bright up in the sky, painting words of desire. Can this be real? Are you the one for me? You've captured my mind, my heart, my soul. Now I know you're the one. My paradise. The stars are shining bright up in the sky, painting words of desire. ओट में छुपके देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे, ओट में छुपके देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे। सारा जहां देखा देखा ना आँखों में, पलकों चल कहीं समय से परे, समय से परे चल दे कहीं। तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से। वीरे, ये इंग्लैंड भी कमाल की जगह है ना, यहाँ सबको अंग्रेजी आती है। वैसे ही जैसे सबको भारत में हिंदी आती है। सॉरी। Stand properly. Attention. Quiet. All right, sit. Do you know what is good about London? There's no dirt, even on the streets. Not a single one of you deserves to be here. But thanks to Lord Macaulay and his new education policy, and the kindness of Her Majesty the Queen, you are here. They think that barbaric and uncivilized natives like you can be transformed. I don't agree. But now is your chance to prove me wrong. And these tribal clothes, these tribal haircuts won't work here. I don't want the British and Royal students to feel uncomfortable because of you. So everything has been arranged on the campus to make you men. Sir, clothes don't make men. Man make clothes.
ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दैट योर लॉर्ड बर्नार्ड शॉ सेड. डोंट यू गेट स्मार्ट विथ मी सन. You people call yourself men. I've seen how your people live. Dekha hai maine tumhara India. The way your people live, the way your country is. Pasina, smell, dull, mitti, kichat. Flies, bloody pigs, cows. Everywhere. Dirt, dirt, dirt. Oi, teacher. पकड़ तो सही. अगर हमारा देश इतना ही डर्टी है जहां पे धूल मिट्टी कीचड़ काउस बफेलोस फ्लाइस स्मेल पसीना है, तो आप 140 साल से हमारे देश में कर क्या रहे हो? सफाई? हमारे दद्दा ने हमें यहां सीखने के लिए भेजा है, सिर्फ सीखने के लिए, वरना आज मैं आपको सिखा देता. साले, जिस घड़े का पानी पीते हैं उसी में पेशाब करते हैं. डोंट टॉक अबाउट माई मदरलैंड, डोंट टॉक अबाउट माई कंट्री. Sticks. The punishment will commence and will not cease until four sticks are broken. Your hands on the table, please. गजेंद्र सिंह जी, वाह, व्हाट अ शॉट. आप भी कुछ कम अच्छा नहीं खेलते सुजान सिंह जी. हाँ, तो क्या कह रही थी आप यशोधरा? भाई साहब, हमें पता चला है कि उस लड़के की कोई गलती नहीं थी, मैनेजमेंट ने ही ज्यादती की है, हमें बात करनी चाहिए. यशो, क्यों हैं आप ऐसी? किसी एक जंगली ने आपको ब्रोच का आधा टुकड़ा क्या वापस कर दिया, तो आपको लगता है जंगली अच्छे होते हैं? सही कह रहे हैं आप गजेंद्र सिंह जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये तो उन फिरंगियों की मेहरबानी है कि सिर्फ पब्लिक केनिंग करवाकर ही छोड़ दिया. अगर रतनगढ़ होता तो. नो नो नो, एक्सपेलिंग हिम इज नॉट द राइट थिंग टू डू हियर. वी आर नॉट रनिंग अ स्कूल, वी आर रनिंग अ कंट्री. बट माय लॉर्ड, आई स्मेल ऑफ रेवोल्यूशन इन ऑल ऑफ देम. वी हैव कम हियर टुडे टू रिक्वेस्ट यू टू कॉल ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी. माय डियर प्रिंसिपल, We entice these barbaric fools here to educate them, mislead them into our way of thinking and our culture, get them indebted by doing meager favors, enslave them, rule them, and rule their country forever. This is the beginning of New England in India. In fact, my friends, it's the end of India.
सही कहता है वो कुरा कि हमारे देश में गुर्बत है, पसीना है, वगैरह वगैरह, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सारे राजा अलग हैं। दोष किसका है, हमारा या गुरों का? हमारे देश में पहले 187 गुरे आए, फिर 2000, फिर 10,000 और फिर 1,00,000, और इन 1,00,000 गुरों ने हम 30 करोड़ लोगों पर राज किया है। जानते हो कैसे? चूंकि दद्दे इन्हें सिर्फ तोड़ना आता है, भूख के नाम पर, लालच के नाम पर, भाषा के नाम पर, और हमें सिर्फ पटना आता है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, राज के नाम पर, राजा के नाम पर। और जानता है दद्दे, ये जो हमें शिक्षा दे रहे ना, इसके पीछे भी इनकी गहरी चाल है। ये हम देसियों की चमड़ी में विलायती रूह डालना चाहते हैं। इनकी सोच और इनके दिमाग को और भी गहराई से समझने के लिए हम दोनों भाई इनके रंग में रंग गए। आशीर्वाद। अरे वीरे, दादा को ये भी तो लिख कि लंदन तुझे भाग गया। ठीक है, लिख दूंगा। वीरे, ये रॉयल पार्टी है, उससे यह मिलने की पूरी संभावना है। तू फफल मत जाना, मैं हूं ना तेरे साथ। ओके, कहां जा रहा है तू? याद है दादा ने क्या बोला था? गोरों को समझना है, इसलिए मेरा गोरियों को समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड? हेलो, हेलो, हाउ आर वी टुडे? गुड, हाउ आर यू? यशो, देखो। सुनिए, फंसी तो फंसी। What is he doing? Excuse me, excuse me. Yes? जी हम आपसे नहीं, यशोधरा जी से बातचीत करना चाहते हैं। लिहाज, शर्म, तमीज, तहजीब नाम की कोई चीज भी है तुम लोगों में या नहीं? सात समंदर पार के आ गए, फर्क ही भूल गए। पता नहीं इन फिरंगियों ने इन लोगों में क्या देख लिया कि रॉयल क्लब में आने का मौका दे दिया। हमारी समझ में नहीं आया। हमें तो पता है इन गोरों ने हम में क्या देखा है, लेकिन आप लोगों का जन्म तो राज करने के लिए हुआ है, तो फिर आपने इन फिरंगियों में ऐसी कौन सी बात देख ली जो कि आप इनके गुलाम बन गए? Come here. Yes, my lord. गुलाम, देखो, ऐसे खड़े रहते हैं हमारे आगे। भाई साहब, गुलाम कह रहा था हमें, गुलाम। भाई साहब, वो तो मजाक। अरे भाई साहब, अरे इतने क्रोधित मत होइए भाई साहब, हम तो सिर्फ एक छोटा सा मजाक कर रहे थे आपसे। मजाक? जी। तो एक मजाक हमें भी करने दीजिए। कीजिए, आइए। ओ मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी। Mm-hmm.
अरे वीरे बाबू, अब तक इसका भूत नहीं उतरा कि इसका रोग तुम्हारे बस को नहीं है। कई दिनों से तू इस खटिया पे लेटे पड़े हो और 3 महीने बाकी है। आपकी प्रेम कथा का अंत हो चुका है। क्या जूते दे। जूते मोजे ढंग से नहीं पहन सके, जूते पहनने चले हो। ये लो पहनो। छाती छाती क्या छाती पर छाती पे अंग्रेजी समझ में नहीं आती। कहाँ है ये? Did you see her hat? Hat? Yeah, I think I did. It was quite weird, wasn't it? Veer Pratap ji. Yashodhara ji. Samal ke. Ji. Excuse me. कैसा है आपका पैर? जी, बढ़िया है, रिपेयर हो गया। तो आपने भाई साहब को माफ कर दिया? नहीं तो? अरे ये खेल कूद में उधम तो मचती है ना, इसमें उनकी क्या गलती है? धन्यवाद। धन्यवाद? धन्यवाद की क्या जरूरत है, हम आपके आभारी हैं। अपने पांव का ख्याल रखिएगा। जरूर। और सुनी, आप अपना ख्याल रखिएगा। जी रखेंगी ना? जी। Lady, lady, that can wait for a while, please. Let us entertain ourselves. For now, Veer will perform for India. Sorry, folks. And now, Veer will perform for India. Only a Veer can perform for India. जेंद्र सिंह जी, इस एक और मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। डू यू वॉन्ट टू डबल द एंटरटेनमेंट? आई वॉन्ट एन इंडियन पार्टनर टू डांस विथ मी। ऑफकोर्स, यस यस। यशोधरा जी, आई बिलीव यू सिंग एंड डांस वेरी वेल। वुड यू बी काइंड एनफ टू जॉइन माय ब्रदर अप ऑन स्टेज? हाउ कैन आई? नो, होल्ड ऑन, hold on. She cannot dance like a commoner. After all, she's a royal, and we royals have a protocol.
I'm sorry. हम सब प्रोटोकॉल समझते हैं, लेकिन मौसीकी प्रोटोकॉल नहीं समझती। तो सब अपना दिल थाम के बैठिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आवाज आपके दिलों में घर कर जाए और रॉयल्टी कॉमनर्स के साथ नाचने पर मजबूर हो जाए। तो शैल वी बिगिन? आते जाते हैं आपके दो रुखसारों पर, और कितने रंग आते जाते हैं आपके दो रुखसारों पर। एक हया का रंग गुलाबी धूप चढ़ी कोहसारों पर। कितने रंग आते जाते हैं आपके दो रुखसारों पर। हर एक कदम मासूम है, हर कदम मेहरबान, मेहरबानियाँ मेहरबानियाँ अजी मेहरबानियाँ बड़ी मेहरबानियाँ। की बात है मेरे ख्वाब की, आधी रात को जरा जरा सा हल्का जरा जरा छलका आसमां पे। रात को आप थे या पूरा चांद था, आधी रात को जरा जरा सा हल्का जरा जरा छलका। कदा मेहरबान मेहरबानियाँ मेहरबानियाँ अरे मेहरबानियाँ बड़ी मेहरबानियाँ। होश है किसको इश्क में दिल मदहोश है। रे बड़े आँख कहीं रे बड़े पाँव कहीं मदहोशी में। होश है आप है मेरे सामने अरे मुझको थाम लो जरा। रे बड़े आँख कहीं रे बड़े पाँव कहीं कदा मेहरबान मेहरबानियाँ है मेहरबानियाँ अरे मेहरबानियाँ बड़ी मेहरबानियाँ 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 मेहरबानियाँ।
अगर मेरी आवाज आपके दिल में इतना ही घर कर गई तो आप मेरे साथ वहां पे क्यों नहीं नाची? प्रोटोकॉल? पता नहीं, आपको ऐसा लगा कि अगर आप मेरे साथ नाचेंगी तो मैं बेतहाशा नाचूंगा और मेरा टूटा हुआ पांव और भी टूट जाएगा। लेकिन यह आपकी गलतफहमी मैं दूर कर सकता हूं अगर आपकी इजाजत है तो। Your Highness, I hope you had a pleasant trip. Would you excuse me? My love, long time. Anything special? I'll talk to you about it later. What about the Pindaris? They plunder in one state and escape to another. It's very difficult to catch them. I think we need to get all the six kings together. Gadi Khamba Maharaj. Unite and fight them back. My son's coming up with a final plan and I think I will... Maharaj sir, aapko someone special se milana hai. Wo aa gaye hain. Bithao, nahi wahan bithao. Ji. Like I was saying, my son, my princess, buying her. वो वहाँ है. क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सब बड़े लोग हैं और मुझे पता था कि आप मेरे साथ यहाँ पर नाचेंगी नहीं सबके सामने. सही कहा, अब रोज रोज तो प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते ना. और रोज रोज हम अपना पैर भी तो नहीं तोड़वा सकते. तोड़ना अगर जुड़ने से जुड़ा हो तो क्या उसे तोड़ना कहते हैं? तो आपके पिता हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि वो राजा हैं. कहां के? शिकारपुर के? नो, ही इज द किंग ऑफ माधवगढ़. Thank you.
क्वीन से मिलने आए हैं। इस बार तो पिंडारियों को मिटाने का पूरा इंतजाम करके ही जाएंगे। पता है वीर, बारबेरिक है वो लोग। एक बार तो हम जिस ट्रेन में थे उसे भी लूट लिया उन्होंने। आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है ना? नहीं, लेकिन महाराजा का हाथ काटा था उन्होंने। शुक्र है उनकी गर्दन बच गई। सुना है उन्होंने धोखे से हजारों पिंडारियों को मौत के घाट उतार दिया। गलत है ये, वो तो उन्हें सिविलाइज्ड बनाना चाहते थे। उनकी जमीनें छीनकर, उन्हें बेघर करके, पिंडारियों का सिर्फ एक ही मकसद है, आजादी। ये आप कैसे कह सकते हैं? माधवगढ़ की राजकुमारी जी, आपकी मां की अमानत। तुम लोगों की इतनी जुर्रत, हमारे बीच में आ गए हमारी बहन पर। बदजात, ठीक ही कहते हैं, बाप का अधूरा काम बेटे को ही पूरा करना पड़ता है। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। Oh, my God.
पांच से कोश निकाल लूंगा। वीरे, छोड़ दे इसे, वीरे छोड़ दे इसे, इसे मैंने माफ कर दिया वीरे। नहीं, ये यशोदा जी का भाई है, हमारी दुश्मनी इसके साथ नहीं है, इसके बाप के साथ है। हे, 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 हे! हम वचन देते हैं कि हम माधवगढ़ जरूर आएंगे, दत्ता की आज्ञा लेकर, या तो तुम्हारे साथ अग्नि को साक्षी रखकर फेरे लेंगे या फिर माधवगढ़ चला देंगे, फिर मुलाकात होगी। राजकुमारी यशोधरा अपनी मां, समस्त देव व मिहिर वंश के तमाम पूर्वजों को साक्षी मानकर युवरागी का पद स्वीकार करती हूं। मैं वचन देती हूं धर्म के इस पथ पर चलते हुए किसी भी परिस्थिति में कभी विचलित नहीं होंगी और पूरी निष्ठा से सदैव राजधर्म निभाऊंगी।
मैं वचन देती हूं, आज से मेरे लिए राज्य की प्रजा और राज्य का सुख ही सर्वोपरि होगा। मैं शपथ लेती हूं, आज से माधवगढ़ का मित्र मेरा मित्र होगा और माधवगढ़ का शत्रु मेरा शत्रु होगा। Raaj, युवराज के जाने के बाद जिस तरह से आपने ब्रिटिश महारानी के सामने हमारा साथ दिया, 700 साल से चले आ रहे मिहिर वंश को समाप्त होने से बचाकर जो आपने अपना धर्म निभाया, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन हमारे बुलाए हुए कुछ राजाओं और पॉलिटिकल एजेंट स्टीव के मन में एक सवाल है। आपने शत्रुओं का विनाश करने की जो शपथ ली है उसे पूरा कैसे करेंगे, जबकि इस सवाल का जवाब देने के लिए हमने सोचा है कि आपके स्वयंवर का आयोजन करें। आपके विवाह में पहली आहुति वीर के खून से दी जाएगी। अरे टोटे के बेटे का कत्ल कर दिया वीर ने। तू क्या करने जा रहा है? यशोदा जी के बारे में दत्ता को मत बताना, काट देगा तुझे। दद्दे। विलायत दी। ए, मेरे लिए कोई मेम शेम नहीं लाया। दद्दे। हाँ। लव दद्दा, लव। क्या? जैसे तू अपनी बीवी को प्यार करता है, हाँ, वैसे ही तेरे वीरे को किसी से प्यार हो गया। बिना शराब पिए बोल सकता है, मिलवा भी सकता हूं तत्ते। अरे सुना, अरे मेरे बेटे को प्यार हो गया, मेरे वीरे को प्यार हो गया। अरे वाह, अरे वाह। ए मंगला, तू बच गई रे, तू बच गई रे मंगला, तू बच गई रे। तुझे क्या हो गया? दद्दे। बोल। पूछेगा नहीं उसका नाम क्या है? जानना जरूरी है क्या? नहीं है। हाँ दद्दे जरूरी है, जानना जरूरी नहीं है। धरा। 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 यशोधरा। 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 राजकुमारी है। ए, ए, राजकुमारी है। राजकुमारी। माधवगढ़ की। माधवगढ़
क्या बेटा है मेरा, क्या दद्दा है मेरा। ए मंगला, ए मंगला, इधर आ, इधर आ। ये भी दुश्मन की बेटी थी, बाप ने नहीं माना तो उठा कर ले आया। सरदार हैदर अली का संदेश आ चुका है, अगले शरद पूर्णिमा तक सारी तैयारियां हो जाएंगी। फिर 15,000 से भी ज्यादा पिंडारी माधवगढ़ के लिए कूच करेंगे। उस दिन पृथ्वी दो काम करेगा, एक राजा के साथ साथ गोरों को काटकर माधवगढ़ पर झंडा लहराएगा, और दूसरा बहू की विदाई कराएगा। दद्दे, जब तू मां को लेने गया था क्या तू सेना लेके गया था? नहीं। पर तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरा बेटा सेना लेकर जाएगा? अब बोल। तो दे दे कंगन। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदे, और नींदों में सपने। कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से, आ जा जमी पे और मिल जा कहीं पे, मिल जा कहीं। अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले, सुना दे जरा अखियों से। सुरीली अखियों वाले, सुना दे जरा अखियों से। हमार तो कछु समझ में नहीं आ रहा भैया, जे का पागलपन है, अजीब शौक है, जो इतनी दूर से जानवरन की तस्वीर खींचन लाई, माधवगढ़ से रणथंभौर आई है। माधवगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट की बेटी का सर का कछु हल्को है। माधवगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट की बेटी? अंजला जी। नो अंजला, नेम गुड। थैंक यू। यू गुड। थैंक यू। But this jungle is no good. No birds, no deer. Here. Sorry? Here. Tiger, do something! Madam ji, we not do whatever do up. Tiger do, madam! मेरी समझ में भारी पड़ गई। शट अप। काम तो कब से हो गया? This is the northwest border of our princely state of Madavgarh.
I'm deeply honored that you've accepted our invitation to be a guest for a couple of days so we can pay you back for all that you've done for us. I'm very grateful. जब राम जी चाहते हैं तो हर चीज सही पड़ जाती है और वैसे भी अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता. You're too modest. No one risks his life for a stranger. Strangers? We know strangers. What do you say, Miss Angela? Oh yes, I owe my life to Mr. Kumar Sahab. Angela! Angela! Oh, thank God you're fine. Don't worry, Poonam, I'm okay. Thank you very much. Poonam. Poonam? Ah, no. Poonam Singh. This is my cousin, William. William? Hillary William. Nice to meet you. So what time? Wrong time. I've recently been appointed a political agent to the Kingdom of Madavgarh. Is Madavgarh expecting a war? No. Preparing for a hunt. Hunt? Yes. We decided to root out these barbaric Pindaris once and for all. Barbaric Pindaris. जंगल की निगरानी पूरी हो चुकी है महाराज साहब. मित्र रियासतों से आए सभी सेनापतियों ने नदी के तट को ही छावनियों के लिए सही माना है. नरसिंह जी. जी. छावनियों का इस्तेमाल हमें चक्रव्यूह की तरह करना चाहिए, जो हमारे लिए सुरक्षा का कवच और पिंडारियों के लिए मौत का घेरा बने. Angela, what a brave girl. How are you feeling, my love? Thank you, sir. I'm fine. I'm so lucky Kumbh Mahendra Pratap Singh. He saved my life. बड़ी वीरता का काम किया है आपने. ऐसी वीरता तो ये रोज सुबह चाय में गुड़ की तरह घोल के पी जाते. वैसे कहाँ के हो कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह? लुसाई घाटी के. लुसाई घाटी? लाहौर से 30 से 14 दिन का सफर है कैलाश मानसरोवर की तरफ. हमारे इलाके में पहाड़ी डाकुओं का बहुत आतंक है. खड़ी फसल काट के वो बर्फ में भाग जाते हैं, जैसे आपके यहाँ पिंडारी आपके लोगों को मारकर रेगिस्तान में भाग जाते हैं. और उनके खात्मे के लिए हमें हल्की और दूर तक मार करने वाली तोपों की जरूरत है. इसी सिलसिले में विजयनगर जा रहे थे. हमने इस बार सोचा है कि बर्फ में घुसकर वहीं उन डाकुओं की समाधि बना देंगे. बड़ी खुशी भी आपसे मिलकर. हमें भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. हमें भी. ओह, क्षमा चाहता हूं महाराज. कोई बात नहीं, जब कोई अपना हाथ बढ़ाता है हमसे हाथ मिलाने के लिए तो हमें वो लम्हा याद आ जाता है जबकि धोखे से हमारा हाथ काटा था उस पिंडारी ने. फिर हम उस लम्हे को सोचकर खुश हो जाते हैं जो उसकी गर्दन हम धड़सलक कर देंगे. क्योंकि हम दुश्मनों को कभी नहीं भूलते. दुश्मन को तो मैं भी नहीं भूलता. जहां से पकड़ता हूं 5 शेर गोश्त निकाल लेता हूं. हम तो 5 शेर भी नहीं छोड़ते. वाह, आज एक सीख और मिली है. वादा करता हूं कि दुश्मन के बदन पर 5 छटाक भी नहीं छोड़ूंगा. ओह प्रिंसेस, आई वाज सो स्केर्ड एक्सीडेंटली योर फादर्स हैंड केम आउट. And you know, the king is such a sport. Unhone situation ko is tarah sambhala ki sab relax ho gayi. Not only that, he declared the savior of Angela his state guest. Such a brave person he is. Wo kya kehte hai Hindi mein? Veer. A real Veer. Kind and cultured, but fearless.
love this music. The rehearsal has begun for the song. Come, come, princess. Even you must perform. Come quickly. दबी सांस में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। पलके झुकी और उठने लगी तो हौले से उसका सलाम आया। दिल की आग उठा कर हाथ पे लेकर चलना है तेरे बिना, बिना तेरे बूंद बूंद अब रात रात भर चलना है। तू मिले ना मिले ये हंसी सिलसिले, वक्त के सख्त है अब ये कटते नहीं। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। समझ कर चलना तुम, नींद की छांव से तुम दबे पांव से, यूं गए वो निशान अब तो मिटते नहीं। तेरे लिए चांद भी रुकता है, तेरे लिए ओस ठहरती है। याद नहीं था याद आया। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। पलके झुकी और उठने लगी तो हौले से उसका सलाम आया।
Saya baro be man maro. Saya baro be man. Chero he mohe pangat kinare. Mane nahi nadan. Chero mohe be man. Wah, wah, wah. Hillary, ये आपने ये सब मेरे लिए सीखा? Then what time? After marriage. दो दिन पहले संदेशा भेजा था हमने कुंवर साहब के लिए, मिलने आए नहीं हमसे? जी उस दिन तो वो एंजेला जी के साथ गए थे। अब कहाँ? गुड एंजेला जी, बहुत अच्छे, बहुत जल्दी सीख रही हैं, बहुत सुर में बजा रही हैं। That means you're learning really quickly and you're in tune. Hello. Hello, princess. Can I steal Kumar Saab for a moment from you, Angela? Okay. लेकिन मैं क्या सोचते हो? जो आप दिखा रहे हैं हम वो देख रहे हैं? बस करो वीर, एंजेला को जब सच्चाई का पता चलेगा। सच्चाई क्या है? क्यों आप हमारी मजबूरी नहीं समझते? हो गया ना वादा पूरा, अब चले जाइए। हम कैसे जा सकते हैं? आपके पिता ने हमें न्योता दिया है आपके स्वयंवर का। कल शाम सूरज ढलने से पहले अगर आप माधवगढ़ से नहीं गए तो हम वही करेंगे जो अब तक एक युवरागी को कर देना चाहिए था। तो वीर नहीं गए। आदरणीय पिताश्री, हमसे एक अपराध हुआ है। भावनाओं के हाथों मजबूर होकर हम धर्म के पद से विचलित हो गए थे। कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह ही वीर है, आपकी यशोधरा। महाराज सा को दे आइए। चिट्ठियों के संदेश विदेश जावेंगे चलेंगे छतियां। Yeah.
जी वो लेटर? लेटर नहीं, ये तो सेनाओं के कुछ डिटेल्स हैं। शुक्रिया। We have worked out a new war strategy to finish the Pindaris, and we are most grateful for Kunwar's valuable suggestion. Kunwar's? Yes. हाँ, जब वो सर्दियों में दुश्मन के पीछे बर्फ में जा सकते हैं, तो हम गर्मियों में रेगिस्तान में क्यों नहीं? इसलिए हमने छावनी में आने वाली सेना की टुकड़ियों को अपनी सेना के साथ मिलाकर रेगिस्तान की तरफ मोड़ दिया है। जेठ की गर्मी में 10-12 गज के बाद कुछ दिखाई नहीं देता। रेत के तूफान सेना की टुकड़ियों को उड़ाकर ले जा सकते हैं। ये बात पिंडारियों पे भी लागू होती है। वो भी रेत की तूफानों में कहां बाहर निकलते होंगे। यही सही समय है उनके ठिकानों को ढूंढकर निहत्थे और बेखबर पिंडारियों को मिटा देने का। मेरे मन को इतना क्यों? जिसे समझना था वो तो माधवगढ़ खतरे में है। वो चिट्ठी हमें वापस कर दीजिए। लेकिन वो चिट्ठी तो हमने वीर को। क्या? आदरणीय पिताश्री, हमसे एक अपराध हुआ है। कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह ही वीर है। हमने आपसे ये सच्चाई छुपाई क्योंकि हमारे दिल में जो उनके लिए जज्बात है वो हम तुम्हारी इरादों को समझ गए हैं। पिंडारी का हाथ हाथ नहीं लोहा होता है। आप थक जाएंगे राजकुमारी साहिब। आपने तो हमारी कलाई पर घड़ी बना दी। अब तो अच्छा वक्त आना निश्चित है। साजिश, हम क्या समझे, क्या करें? कंगन भेजें दद्दा ने अपनी बहू के लिए। एक बात बताएं वीर, अगर आपको हम में और आपके दद्दा में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? सच्चाई को। पिता अगर सच्चा हो, अच्छा हो, तो हर कोई साथ देता है। लेकिन अगर पिता गलत हो तो औलाद क्या करे? उन्हें छोड़ दें? ना छोड़ें, ना साथ दें, सही रास्ते पर ले आएं। क्या रास्ता दिखाएं? वो लोग अपना राजधर्म ना निभाएं, पूर्वजों से मिले राजवंश को आगे ना बढ़ाएं? 4,500 पिंडारियों को धोखा दे के मारना धर्म निभाना है। माधवगढ़ को फिरंगियों का गुलाम बनाना आगे बढ़ाना है। युवरागी जी, खतरा आपके राज्य को पिंडारियों से नहीं बल्कि आपके अपने पिता से है। अगर उस वक्त आपके पिता ने वचन निभाया होता तो आज ये वक्त नहीं आता। आपने राज्य की भलाई की जो शपथ ली है उसमें मैं आपका साथ दूंगा।
सुबह देता हूं, आपकी सेनाएं महफूज रहेंगी। पिंडारियों की तरफ से तब तक वार नहीं होगा जब तक आपकी तरफ से पहल नहीं होती। ये कंगन अब मैं तभी पहनाऊंगा जब आप में सच कहने की हिम्मत आ जाएगी। पूरी दुनिया के सामने आप मुझे वीर कह के पुकारेंगी, फिर मुलाकात होगी। वीर कह के पुकारे महाराज साहब की जिंदगी आपके विवाह में पहली आहुति वीर के खून से दी जाएगी। पृथ्वी क्या खुश नसीब है तू। सरदार शाबाश। जब ये दोनों मेरी बाहों में होते हैं ना तो माधवगढ़ क्या मैं सारी दुनिया जीत सकता। अरे दुनिया नो छड़ पृथ्वी, पूछ वीरा से राजकुमारी नो जीतिया के नहीं जीतिया। वे नारियाल इससे क्या पूछता है, हमसे पूछ साला मर्द की भुजाओं में दम होना चाहिए, घोड़ी और एक बराबर होती है। इधर इससे उठा लो। ये पहला जाम उन पिंडारी भाइयों के नाम जो अब हमारे बीच नहीं रहे। ओए वीरा, तेरा मतलब ये है कि हमें जंग नहीं लड़नी है, अपनी तलवारों को जंग लगाना है, इंतजार करना है इस गर्मी में। ओए नौनिहाल, पहले देख तो ले वीरू के दिमाग में क्या है। ओए सरदार, का घुन लग गया हम लोगों के दिमाग में जो इस छटाक भर के लौंडे की बात सुनेंगे। गजधर, अगर फैसला तलवार से ही होना होता तो 25 साल पहले हम अपने भाइयों को ना खोते। नया नजरिया, नई सोच लेकर वीरू विलाज से आया है। इस जंग के फैसले तेरा बेटा वीर ही लेगा।
वारी तरफदारी वाह। 25 बरस पहले तूने पृथ्वी पर भरोसा करके इसे राजा से मिलने भेजा और हमारे 4,500 पिंडारी धोखे का शिकार हो गए थे, और आज तू इसके लौंडे पर भरोसा करके एक और गलती करने जा रहा है। ए नौनिहाल, ये कल का छोकरा बिलायत से 4 अक्षर का पढ़ाया, हम लोग उनका फैसला करेगा। हाँ! विलायत से पढ़कर ही आया है, गोरे की औलाद नहीं। यही गोरे की नहीं तेरी औलाद है, बराबर है, पर तेरा बेटा के अंदर भी फिरंगियों से डरकर भागने की आदत होगी। काका, जरा देख तो लूं इतने सालों से इसके दिल में क्या पनप रहा है। अरे क्या पनप रहा है का मतलब, धोखा देने की नौबत ही नहीं आती। अगर जमीन का रुक्का लेने मैं गया होता, वही टेटुआ दबा देता राजा का, और तू साला भाग कर आ गया। कायर साला, मेरे दत्ता को गाली देता है। ए काका, जा से पकड़ूंगा, 5 शेर गोश्त निकाल लूंगा। ललकारता है गजदर को, ललकारता है, यही गाड़ दूंगा। खोदा शुरू कर, देखता हूँ कौन किसको गाड़ता है। मुकरना मत अपनी जुबान से, अगर तू पृथ्वी सिंह की औलाद है तो अब इसका फैसला जिंदगी और मौत से होगा। वही होगा। ओ चुप कर गजदर। अरे ये साला तो खोतिया है, हम पिंडारी आपस में क्यों लड़ रहे हैं प्रभु? ओ पृथ्वी, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आते। ये लड़ाई होगी और जो बचेगा वही 15,000 पिंडारियों के फैसले करेगा। मर नहीं सकता, तूने मेरे दत्ता को गाली दी है। एट! एट काका! एट! सेरी होगा। सब अपने अपने डेरे माधवगढ़ की पहाड़ी के पीछे ले लें। हाँ!
दद्दा, अगली मुलाकात तेरी बहू को कंगन पहनाने के बाद होगी। वीर विजयी भाव, वीर विजयी भाव। आज का दिन माधवगढ़ के लिए बहुत खास है। सदियों पुरानी स्वयंवर प्रथा का पुनः आयोजन कर महाराज शाह ने हम सब पर, पूरे माधवगढ़ पर कृपा की है। मैं महाराज शाह की तरफ से यहाँ उपस्थित राजागण, अतिथिगण, प्रतियोगी कुंवरों तथा माधवगढ़ की प्रजा को इस महापर्व में सहभाग के लिए धन्यवाद देता हूँ। राजपुताना की शान कहे जाने वाले मीर वंश के सपूत, आज वो पिंडारी ना ये नामुमकिन है। एक बार उस पिंडारी की पहचान हमें दे दीजिए, फिर देखना कि हम आपके भाई और अपने बेटे के कातिल का क्या हशर करते हैं। से एक बार राजकुमारी जी की। Princess, I'm also looking for Kumar. He still hasn't arrived from Vijayanagar. Oh, I forgot. This is my fiance, John. Hello. Hello. John also has a passion for folk music. That is why he's been learning from Kunwar. गवर्नर जनरल फ्रेजर साहब के स्वागत की, जिन्होंने सन 1862 में मिस्टर फ्रेजर युवराज ज्ञानेंद्र सिंह जी के साथ मिलकर 4,500 विद्रोही पिंडारियों का दमन किया था। अब हम फ्रेजर साहब से विनती करते हैं कि वो कुछ शब्द कहें। नमस्ते, नमस्ते, हेलो एवरीबॉडी। I am honored to be present in the Swayamvar ceremony. And for this purpose, we have brought a warrior. इसीलिए इस प्रतियोगिता को रोमांचक बनाने के लिए हम एक महाबली को साथ लाए हैं। महाराज शाह की इजाजत से यह तय हुआ है कि जो भी कुंवर इस महाबली को हराएगा वही युवरागी जी का वरण करेगा। And here comes the giant warrior. Rhino! Mabali! Rhino! Are there any real men here? I need to see how hot the Rajput blood is. Say it as I said it. क्या यहाँ कोई असली मर्द है? मुझे देखना है कि राजपुताना के खून में कितना उबाल है। What happened? जोश ठंडा हो गया? राजपुताना के खून में इतने ही अबाल है?
राजपुताना खून में इतना उबाल है कि अगर आंच लग जाए तो गोरी चमड़ी काली पड़ जाए। महेंद्र प्रताप सिंह की जय! महेंद्र प्रताप सिंह की जय! Thank you.
तेरे तो मैं इतने टुकड़े करूंगा कि यशो बेटी, इस एक हाथ से न जाने कितने घंटों जलाया है, एक हाथ से थपथपाकर सुलाया आपको, अपने हमें इसीलिए तो आज तक पिता के रास्ते पर ही चलते रहे। लेकिन युवराकी के लिए वीर का रास्ता ही राजधर्म है। यशोधरा पृथ्वी सिंह की बहू है और वीर की पत्नी। अगर किसी ने इसकी तरफ आंख भी उठाई तो वीर इतनी तबाही मचाएगा जो अकाल और भूकंप भी नहीं मचा पाएंगे। शांत हो जाइए महाराज, पिंडारी दीमक बनकर माधवगढ़ को चाट चुके हैं और ये धोखा देना तो हमने आप ही से सीखा है। हम माधवगढ़ तैयारियां करने आए थे महाराज, आधी सेना आपके जंगलों में जा चुकी है, आपकी तकरीबन सारी तोपें खराब कर चुके हैं हम, और ये देखिए आपके भागने की सब गुप्त सुरंगें बंद हो चुकी हैं। यह आवाज सुन रहे हैं? गौर से यह आवाज सुनिए महाराज। पिंडारियों ने माधवगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया है। किले की ऊंची दीवारों के पीछे अब आप ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। आज नहीं तो कल आपको दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे रसद और पानी के लिए, और अगर नहीं खोले तो भूख और प्यास से बेहाल लोग आपको काट कर खा जाएंगे। कौन किसको काटता देखेंगे। Your Highness! Mr. Veer, you must know, we British, we're not afraid of massacre. In your holy book, the Bhagavad Gita, your Lord Krishna has said that war should be the final option. So, Mr. Veer, you take Madhavgarh and give us safe passage. तुझे इस जंग का सरदार इसलिए नहीं बनाया था कि तू फरंगियों के हक में सोचे। मैं फिरंगियों के हक में नहीं सोच रहा हूं, पूरे मुल्क के हक में सोच रहा हूं सरदार। ओए वीरा, ये मुल्क बीच में कित्थों आ गया? ये लड़ाई तो हमारी है। ये मुल्क भी तो हमारा है। इंग्लैंड जाने से एक बात तो समझ में आ गई है कि थोड़े बहुत फिरंगियों को काटने से कुछ नहीं होगा, उन्हें तो हमें पूरे देश से खदेड़ना होगा। तो खदेड़ते हैं ना, पूरे देश से खदेड़ते हैं। यहां 2-3 हजार खटे, वहां 10-20 हजार भागे। सरदार, लड़ाई में सिर्फ गोरे ही नहीं, स्वयंवर में आए राजा, माधवगढ़ के सैनिक, पिंडारे ही नहीं कटेंगे, बल्कि किले में रहने वाले हजारों निर्दोष और मासूम भी कटेंगे। जब बिना लड़ाई लड़े हमें माधवगढ़ मिल सकता है, फिर खून क्यों बहाए? फिर की करा, जैसा तू जानता है, उस राजा को, फ्रेजर को, उस पैंती टकी फिरंगी सेना को हथेलीच बिठाकर सीमा पार छोड़ाए। वाह क्या तरकीब निकाली है बचकर बाहर निकलने की फिरंगियों ने। खून चाहिए पहले माधवगढ़ नहीं। चलती भट्टी में उन्होंने हमारे पाइयों को कोयले की तरह धौल दिया था, भूल गए क्या? तुझे क्या लगता है, अगर हम उनको छोड़ भी देंगे तो दोबारा धोखा नहीं करेंगे, पलट कर वार नहीं करेंगे और तब मौतें नहीं होंगी? वो धोखा भी करेंगे और वार भी, मौतें भी होंगी, लेकिन तब मौत बदले के लिए नहीं, एक मकसद के लिए होगी, मुल्क के लिए होगी। जरा सोचिए, अगर हमने इन्हें आज छोड़ दिया, अगर कल ये बड़ी सेना लेकर आए, तब हमारी अपनी तो पूरी ताकत होगी, लेकिन साथ होगी माधवगढ़ की सेना और वहां की आवाम, और ये सारे राजा तब तक फिरंगियों के धोखे से इन्हें भी
अपनी गुलामी का एहसास हो जाएगा, तब मौत मौत नहीं शहादत होगी, जिसकी आग पूरे मुल्क में लगेगी। आज मौका है, किसी ना किसी को चिंगारी तो जलानी होगी, और फिर तकदीर के दिए इस मौके को कैसे गवाएं? क्योंकि 4,500 पिंडारियों की मौत का बदला उस पैर दे टके राजा और उसकी एक एक फिरंगी साथी नू कट के ही पूरा होगा। तो फिर जबान देता हूं, राजा और उसके एक एक फिरंगी साथी को काटूंगा या खुद कट जाऊंगा। विरे, एक पिंडारी अपनी जबान से फिरे तो फिरे कैसे? तद्दे, जब सवाल देश का हो तो क्या जुबान तोड़ी नहीं जा सकती? फिर महाभारत में भीष्म पितामह ने क्यों नहीं तोड़ी थी? तो ठीक है, फैसला कल सुबह पृथ्वी और वीरे के बीच होगा। सरदारनी, पिंडारी जात के आंखों में आंसू नहीं पपते। क्या ये सब टल नहीं सकता? मैं भी जीना चाहती हूँ। आपकी पत्नी अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती है। आज हर लम्हा एक जीवन की तरह जिएंगे। ओट में छुपके देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे, ओट में छुपके देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे, सारा जहां देखा देखा ना आँखों में पलकों के नीचे थे, आचल कहीं समय से परे समय से परे, चल दे कहीं तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन।
फिर मुलाकात होगी। दद्दा, तेरा बेटा इतना बड़ा वीर नहीं है जो धर्म के इस रास्ते पर चल सके। तू सही रास्ते पर है वीरा। उठा तलवार, दुनिया को यह कहने का मौका मत दे कि तेरी रगों में दद्दे का खून नहीं। तू अपना धर्म निभा, मुझे पिंडारियों के साथ लिया हुआ वचन निभाने दे। सबसे बड़ा क्या? जिगर। और जिगर से बड़ा? जुबान। और जुबान से बड़ा? दद्दा। और दद्दा से बड़ा क्या? दद्दा। नहीं, दद्दे से बड़ा देश। दद्दे से बड़ा देश। जो बचेगा बात उसी की रहेगी। Ah.
करते नहीं। पाय लागू दद्दा। तद्दे, मैं तुझ पर ये लांछन नहीं लगने दूंगा कि एक बाप ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। मैं भी तुझे इस बोझ के साथ जीने नहीं दूंगा कि लोग कहें कि एक बेटे ने बाप का कत्ल किया है। A little more. Hold it. The Pindari Brigade. They are out of range. I know how to get them in the range. बचाने के लिए लड़ रहा था तू, इनके लिए हम सबसे लड़ रहा था। नहीं, मैं उसके लिए लड़ रहा था। देखिए, वो हमारे लिए लड़ रहा है महाराज। फिरंगी हमारे नहीं है महाराज, इन्हें भारत से बाहर निकालना होगा। No, this is wrong. We British will be blamed for this betrayal. We can't shut betray up. A man who promised us safe passage. सेनापति, राजपूत अपने वचन से नहीं फिरते। बेहतर है कि हम भी अपनी आंखें खोल लें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तथा मुझे वहां तक के पहुंचा दे। Shoot them! Come on! Kill them all! Thank you.
बहुत लालच है ना तुझे जमीन का? बोल, कहां चाहिए तुझे जमीन? तुझे जमीन नहीं दूंगा, क्योंकि जब जब तुझ जैसे राजाओं को जमीन मिली है, देश गुलाम हो गया। वीर के इस बलिदान ने क्रांति को एक नई दिशा दे दी। बहुत से राजा आजादी की इस लड़ाई में शामिल हो गए और अब मेरे वीर का वीरा आजादी की उस मशाल को लेकर आगे बढ़ रहा है। Again, as his son? Pindari ne zaban di thi. Aata kaise nahi? Mera chota veera. Tu theek to hai na? Budhiya gayi ho. Teri maa se behtar hoon abhi bhi. Dadda kahan hai? Dadda! Oh.
दद्दे, अगर इस बार झपट गया तो रपट ही देंगे। तो रपट दे। रपट दे। अरे संभाल के। पिंडारी के आंखों में गुस्सा। आजा, आजा। कहा था ना तुझसे, एक दिन तुझे इस पानी में जरूर फेंकूंगा। बरसों से तो इसी का इंतजार था। तद्दे, पिंडारी जात की आंखों में आंसू नहीं फपते। जानता हूं, लेकिन आज मुझे रोने दे, आज मुझे रोने दे, आज मुझे रोने दे। ताली मार दो हत्थी वीरा, ताली बजे दी। ए, खींचे। अरे ताली मार दो हत्थी वीरा, ताली बज जाएगी। माथे बिंदी पहरा मेहंदी लाली सजेगी। नौ नौ नखरे नाक पे मोती कील लगावे रे। आप शीशा देखे बोले सोनी लगेगी। हुणु आपे शीशा देखे है। हुणु आपे शीशा देखे बोले सोनी लगेगी। ताली मार दो हत्थी वीरा, ताली बजेगी। माथे बिंदी पहरा मेहंदी लाली सजेगी।